चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों के बीच आप जा रहे हो, किस तरीके के लोगों का मान सम्मान? देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो गांव के नौजवान, बुजुर्ग और माता और बहनें सड़कों पर खड़े होकर के जिस तरीके से मान और सम्मान दे रहे हैं, वो अपने आप में एक अजब ही माहौल है आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं भी, चौथा मेरा इलेक्शन है इस बार, दो बार मैं जीता हूँ और एक बार एक बार जो है मैं पिछले चुनाव में रह गया था। इस बार फिर मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का जो माहौल है वो पूरे अपने आप में एक बहुत उत्साह और जोश के साथ लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी ने कामों के नाम पर जो बच्चों को रोज़गार दिया है उसके नाम पर वोट हम मांग रहे हैं। उसी तरीके से आज जो है पाटखोरी गाँव के अंदर ये प्रोग्राम था, जन समर्थन था गाँव की तरफ से, उसमें बहुत उत्साह और जोश है। मुझे पूरा भरोसा है इस बार हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीट निकाल रहे हैं। देखिए, अब ये एक छोटी सोच और एक छोटी मानसिकता है कि मेवात के अंदर इस तरीके की बातें करी जा रही हैं। छिरक लोध इतना कमज़ोर नहीं है कि वो इनके जो है उससे डर जाएगा। छिरक लोध अपने आप में बहुत मजबूत पाल है और मुझे पूरा भरोसा है कि 36 बिरादरी का हमें प्यार मिल रहा है। आज जिस तरीके का माहौल है, ये अपने आप में घबराहट और बौखलाहट है कि ये लोग डर चुके हैं, दूसरे विपक्ष के लोग आज तरह तरह की बकवास कर रहे हैं, छिरक लोधों को चैलेंज कर रहे हैं। अरे, छिरक लोध अपने पे आ गया तो कहाँ जाके रुकेंगे? और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है कि सबका प्यार मिल रहा है और छिरक लोध में भी प्यार मिल रहा है। और मुझे 36 समाज का, आज मैं पाटखोरी गांव में, हमारे बागोड़ेपाल का बड़ा गांव है, यहां पे मुझे मान सम्मान मिल रहा है। दौलतपाल में, डेमरोतपाल में, बहंगड़पाल में है, और गुमलपाल में, नाइन में, और जो है हमारे जितने भी हमारे सामाजिक जो हमारे यहाँ पालों का ताला बना है, अब साकरस में हमारा जितना भी संगठन है, चाहे कुछ भी हो, बालोत हो, दौलत हो, नाई हो, सबका हमें बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। और इंशाल्लाह ये 36 बिरादरी का इलेक्शन है, इसमें इस बार इनकी जो बौखलाहट और जो घबराहट है साफ दिखाई दे रही है। मुझे भरोसा है कि इस बार हम पूरी बहुमत से जीता सकते हैं। पत्रकारों को, अब आप ये देखिए, अभी आपसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि ये घबराहट और छिछपटाहट है, क्योंकि हार दिखाई दे रही है। तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, कभी मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी लिस्ट बनाऊंगा, कभी पत्रकार साथियों, हमारे पत्रकार साथी हैं, और पत्रकार होने से पहले हमारे भाई हैं सब, कोई बाहर का नहीं है, कोई विदेश का नहीं है, सब अपने बेवाती भाई हैं ज़्यादातर। तो सबको इस तरीके से डरा करके वो पत्रकारों पर प्रेशर बनाना चाहता है। कुरैशी समाज के लोगों को उसने बदतमीज़ कहा कि आप लोगों को इससे तो बदबू आती है, इस तरीके के हमारे कुरैशी समाज को बदनाम किया और उनको जो है गालियाँ दी। हमारे अलवी समाज है, उनकी जो है कई ऐसे मसले थे जिसमें उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू जो है लूटने वालों का वो सहयोगी बन जाता है। ये 36 बिरादरी का दुश्मन है, इसको कौम और इलाके से कोई हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मुफायद के लिए कार्य करता है। ये सभी से जो है ना नफरत पैदा करने वाला इंसान है। ऐसे इंसानों को आने वाली 5 तारीख को, मुझे पूरा भरोसा है, फिरोजपुर झिरका की जनता इसको पूरा निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी।